गुरु शिखर है वो अरवली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 9 तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गुरु शिखर। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से गुरु शिखर के लिए और गुरु शिखर की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर और ये डीप इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी जो ये पूरा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है माउंट आबू, बट ये पूरा डीप में है गुरु शिखर। तो ये बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ के, तो विजिट करते हैं गुरु शिखर की। हाँ, तो गुरु शिखर के रास्ते में एक तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल और पीस पार्क भी आता है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए, यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ से गुरु शिखर का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और पीछे दिख रहा है गुरु शिखर। तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ का व्यू आपको दिखा देता हूँ और फिर चलेंगे गुरु शिखर। यहाँ एक फ्रूट स्टॉल लगा हुआ है, पानी की बोतल मिलती है और फ्रूट्स है, और ये केसर मूली है, तो मैंने पहली बार देखी है, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ केसर मूली। और यह प्राइस है सबका 20 रुपीस, एक कोई भी कटोरी लो उसका प्राइस है 20 रुपीस। तो ट्राई करते हैं केसर मूली। तो ये है केसर मूली, मैं आपको ठीक से दिखा दूँ, ऐसी लगती है केसर मूली। तो टेस्ट करते हैं और फिर बताता हूँ कैसा है, तो ट्राई कीजिए आप भी। डिफरेंट है, वाइट मूली जो आती है ना उससे पूरी डिफरेंट है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और ये सिर्फ माउंट आबू में होती है ना भैया? हाँ जी। और कोई जगह पे नहीं मिलेगी? नहीं, और राजस्थान में भी नहीं मिलेगी? नहीं, राजस्थान में नहीं, ओनली फॉर माउंट आबू में। ओके, तो ये ओनली फॉर माउंट आबू में होती है केसर मूली। अगर आप जब भी माउंट आबू आते हैं तो इसका टेस्ट जरूर करिए।
हाँ तो अब आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर है गुरु शिखर, और जो मैंने आपको बताया यहाँ व्यू, वैसे बहुत सारे सीनिक व्यू आगे हैं, तो वो देखते हुए हम जाएंगे गुरु शिखर तक। हाँ तो गुरु शिखर जाते समय एक चेक पोस्ट आता है, यहाँ से अचलगढ़ भी जा सकते हैं, पीस पार्क और गुरु शिखर, तीनों अट्रैक्शन ये चेक पोस्ट के बाद में आते हैं। तो यहाँ एंट्री फी है पर पर्सन 5 रुपीज। हाँ तो गुरु शिखर से पहले एक और प्लेस आता है, यहाँ पीछे आप देखिए लेक जैसा बना हुआ है, और यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है लेक व्यू करके। तो यहाँ से थोड़ा व्यू देख लेते हैं और फिर चलेंगे आगे। तो यहाँ पीछे की साइड एक बड़ी चट्टान है, वहाँ ऊपर जाके पीछे का व्यू देखते हैं, क्योंकि ये पूरी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के व्यू। हाँ तो देखिए यहाँ पीछे टेम्पल है और एक रेस्टोरेंट बनी हुई है, और वहाँ से पीछे लेक दिख रहा है, तो अच्छा व्यू है। यहाँ भी देखिए ये भी खूबसूरत है यहाँ। हाँ तो ये जगह अच्छी है, अगर आप गुरु शिखर आते हैं तो रास्ते में ये प्लेस पड़ता है, तो ये जगह का विजिट कर सकते हैं आप। We'll be right back.
तो यहाँ हमने तकरीबन 20 मिनट स्पेंड किया और एक खूबसूरत ड्रोन शॉट लिया है यहाँ का, बिकॉज यहाँ की जो सीनिक व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, तो एक ड्रोन शॉट अच्छा सा लिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं गुरु शिखर। हाँ, तो अब यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर होगा गुरु शिखर, और यहाँ से दिख भी रहा है गुरु शिखर। और गुरु शिखर वो माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो चलिए अब विजिट करते हैं, वहाँ जाके वहाँ की हिस्ट्री जानेंगे। हाँ, तो ये गुरु शिखर का जो रास्ता है वो आबू रोड से माउंट आबू से भी ज़्यादा घुमावदार है। और ये जो गुरु शिखर है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पीक है। और ये जो अरावली रेंज है, ये पूरा अरावली में आता है, अरावली रेंज का भी ये सबसे ऊंचा पीक है गुरु शिखर। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर। ये मैंने मेरी कार पार्क कर ली है और यहाँ से आपको पीछे टेम्पल दिख रहा होगा और उसके ऊपर गुरु शिखर है। तो ऐसे वैसे तो आगे एक पार्किंग है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो 500 to 700 स्टेप्स जितना है गुरु शिखर। और यहाँ से मेरे ख्याल से आधे तक तो हम आ चुके हैं, 200 स्टेप से ज़्यादा नहीं होगा अब। तो यहाँ 2 पार्किंग है, अगर आप लास्ट पार्किंग में पार्क करेंगे तो आपका आधे स्टेप्स कम हो जाएंगे। हाँ, तो हमने वो लास्ट पार्किंग में हमारी कार पार्क की, इसलिए हमारा आधा रास्ता तो वहीं कट गया। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है नीचे के साइड, तो वहाँ से अगर आते हैं तो ये लंबा पड़ेगा, तो हम आधे तक तो पहुँच गए हैं। हाँ, तो मैंने जो आपको बताया था वो मेन रास्ता यहाँ से आता है और हम आए यहाँ से शॉर्टकट से। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर के पहले पड़ाव, यानी कि दत्त भगवान की तपस्या की जगह, जिसे दत्त थोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ भगवान ने तपस्या की थी और ऊपर के साइड है दत्त पादुका। तो पहले हम विजिट करेंगे दत्त पादुका की और फिर यहाँ आएंगे टेंपल दर्शन के लिए। और वैसे भी यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ और बाकी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो वो है गुरु शिखर दत्त पगला। तो अब हम पहुंच चुके हैं दत्त पादुका गुरु शिखर का ये पीक है। ये पीछे देखिए भगवान दत्तात्रेय की पादुका है। तो पहले वह दर्शन करते हैं और यहाँ आप देखिए एक घंट लगा हुआ है। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर आप कोई भी मन में मनोकामना रखते हैं और 3 बार ये घंट बजाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो हम भी घंट बजा देते हैं, दर्शन कर लेते हैं। ये जगह आपको दिखा देता हूँ और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ आपको ऐसे ही छोटे स्टॉल भी मिल जाएंगे, यहाँ थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आपको मैं पूरा व्यू पहले दिखा देता हूँ और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ।
तो ये था गुरु शिखर माउंट आबू का हाईएस्ट पीक, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो गुरु शिखर है वो डेडिकेट करता है लॉर्ड दत्तात्रेय को। मैंने आपको एक नीचे टेम्पल दिखाया था, वहाँ भगवान दत्तात्रेय का धूणा था जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, और ऊपर उनकी दत्त पादुकाएँ हैं। इंडिया में तीन जगह पे दत्त पादुकाएँ हैं, एक तो यहाँ गुरु शिखर, दूसरा है गिरनार जो कि है गुजरात में, और तीसरा है कालो डूंगर वो भी है गुजरात में। तो ये प्लेस तीन प्लेस है लॉर्ड दत्तात्रेय के फेमस प्लेस है। गुरु शिखर है वो अरवली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 5,653 फीट, यानी कि 1,722 मीटर। तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अचलगढ़, जो देखेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सौमिल ट्रैवलर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।